सो हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल, कैसे है आप सभी लोग और गाइज, आप सबका वापस से स्वागत है एक और नई वीडियो में जुरासिक वर्ल्ड मोबाइल की। तो गाइज जुरासिक वर्ल्ड मोबाइल के पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि हम लोग जो है ना गाइज यहाँ पे कुछ मिशन कंप्लीट कर रहे थे, कुछ डायनोस को इवॉल्व कर रहे थे और गाइज यहाँ पे आज के एपिसोड में भी वैसे ही कुछ खतरनाक सा काम हम करने वाले। लेकिन गाइज आज का जो एपिसोड है वो शुरू करने से पहले जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे जो को सब्सक्राइब नहीं करा होगा गाइस फटाफट लाइक जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है और हमको काफी मोटिवेट करता है इसी वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए भाई लोग आज का जो एपिसोड है वो फटाक से शुरू कर लेते बिना किसी देरी के। एंड सबसे पहले हम देख लेते कि यहां पे फोकट में कोई अच्छी सी चीज मिल रही कि नहीं गाइस। ठीक है, ग्रीन मनी डायनो के बदले मैं भाई यहाँ पे डायनो को बेच के ग्रीन मनी लेना चाहूंगा, क्योंकि आपको पता है कि मेरे को 10,000 ग्रीन मनी जल्दी से जल्दी करना है। डीएनए JW पॉइंट के बदले रेन, तो भाई 36,000 पहले से पड़े हुए, तो और ज़्यादा हम डीएनए नहीं लेते यहाँ पे। एंड हम हमारे जो अंडे हैं ना गाइज वो यहाँ पे हैच हो चुके हैं, उनको सबसे पहले यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं भाई। ठीक है, एक डायनो जो है गाइज उसका अंडा हैच हो चुका है, इसको मैं 20 लेवल का कर सकता हूँ जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड यहाँ पे इवोल्यूशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, जो भी अपने पास डायनोस दे गाइज उनका इवोल्यूशन अभी तक मैं कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ। चलो कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई, ये फ्लायर भी जो ना गाइज वो भी यहाँ पे इवोल्व नहीं हुआ है, उसको भी वापस से इवोल्व करने के लिए डाल देता हूँ। एंड गाइज यहाँ पे मैं फटाक से जो हमारा प्यारा प्यारा सा पीटी है ना गाइज उसके अंडे को हैच कर लेता हूँ। पीटी वैसे मेरे पास मैक्स लेवल के पहले से पड़े हुए हैं, लेकिन मैं एक और मैक्स लेवल का पीटी यहाँ पे बनाने की कोशिश जरूर से करूंगा। अभी यहाँ पे मेरे को क्या करना है बताया गया गाइज, मेरे को ये वाला डायनो जो मेरे को भाई शेक द अर्थ में से मिला था, ये वाला डायनो इसको जल्द से जल्द मैक्स लेवल का करना है। तो मैं इसके टोटल जो ना गाइस यहां पे 4 अंडे हैच करने के लिए डाल देता हूं। पैसा काफी ज्यादा उड़ गया गाइस, काफी ज्यादा अपना पैसा उड़ चुका है, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं इस डायनो को अगर मैक्स लेवल का कर देता हूं ना तो इसका डैमेज जो तगड़ा जाएगा ना, रुक जाओ मैं आपको दिखा देता हूं। देखो अभी फिलहाल के लिए 300 डैमेज 300 हेल्थ है भाई, ठीक है। और अगर मैं इसको मैक्स लेवल का कर देता हूँ तो लगभग भाई 1500 डैमेज प्लस 1500 इसकी हेल्थ हो जाएगी। हेल्थ काफ़ी कम है लेकिन डैमेज काफ़ी तगड़ा इसका होने वाला है। इस रीजन से इस डायनो को मैं मैक्स लेवल का करना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा जल्दी। तो अपन इसके 4 अंडे यहाँ पे हैच करने के लिए डाल दिए खरीद के। एंड अभी अपन फटाक से देख लेते कि इवेंट में कौन कौन सी चीज़ आई है। पार्टी रंबल, चेक ऑर्डर, स्टॉक ऑर्डर, विजिट, एक्वाटिक वेव, ड्यूरेक एस्केप, ओ ओ रैप्टर्स, ओ व्हाट द हेल रैप्टर्स ऑन द क्या प्रॉल, ये क्या इवेंट है। टीरेक्स एस्केप पहली बार कुछ देख रहा हूँ गाइस, टीरेक्स एस्केप। अच्छा टीरेक्स को मैं पेलम पाल देना, अरे बज्जे भाई जोड़ी बज्जी हो गया, रुक जाओ भाई, नहीं तुम जोड़ी बज्जी हो गया ऐसे। टीरेक्स को तो हम भाई मजदब के पेलम पाल दे ही देंगे, रुक जाओ भाई छोटे छोटे डायनोस को भाई, रुक जाओ इसको उतार पहले, उसके बाद उतार हमारा मेन लौंडा, उसके बाद एक और वीक डायनो उतार भाई। एकदम खतरनाक से डायनो की क्या जरूरत है इनके लिए यार भाई, यही वोटर वाले डायनोज इनफ रहेंगे। टीरेज एस्केप कुछ अलग सा मिशन गाइस अपन आज कर रहे हैं, ठीक है टीरेज एस्केप। ओके ठीक है बेटा, 600 का डैमेज तो मेरा ऐसे ही बढ़ रहा है जिसके ऊपर, अगर इस टीरेज को मेरे को मार रहे तो 3 पड़के कम से कम देने पड़ेंगे। टीरेज के साथ अपनी खतरनाक सी फाइट हो रही है गाइस यहाँ पे, ठीक है एक अटैक दे दिया कोई दिक्कत वाली बात नहीं गाइस। अपना होल्ड वाला गेम प्ले यहाँ पे काफी तगड़ा वाला चलेगा गाइस, ठीक है मैं वैसे उसको उड़ा भी सकता हूँ लेकिन मैं होल्ड में भाई यहाँ पे पॉइंट डालना चाहूंगा, क्योंकि अपना सेकंड डायनो किसी भी टीरेक्स को एक एक दो दो फटके में उड़ा सकता है गाइस, ठीक है। 3 अटैक पॉइंट, 3 में से 2 अटैक दे दिया, आई थिंक मैं मर जाऊंगा। एक शील्ड है टीरेक्स के पास, एडीसी पास का फायदा उठा के आई थिंक मैं उसको उड़ा सकता हूँ। एक ही शील्ड होगी ना, मे बी देख लेते चलो, बड़े आराम से जितना चाहिए अपन को 3 फटकों में डायरेक्टली इसको उड़ा दूंगा मैं। एक शील्ड थी गाइस टीरेक्स के पास, मेरे 3 फटके मार के रेक्स की यहाँ पे बैट बजा के रख दी, कोई टेंशन वाली बात नहीं भाई, ठीक है आ जाओ चलो। ऑलराइट सेकंड वाला डायनो 28 लेवल का है गाइस हमारा रेक्स, 207 का डैमेज है, 3 अटैक पॉइंट है लोंडे के पास, देखते क्या कर पाता है। 3 के 3 फटके दे दी, ये नहीं करना चाहिए था, बच गया लेकिन फिर भी भाई 3 अटैक पॉइंट थे, 3 के 3 फटके गए जिसने यहाँ पे चिपका डाले थे मेरे ऊपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये ले 1-2, 2 फटकों में डायरेक्टली इसको भगवान के पास पहुंचा दूंगा, 4 होल्ड में और 1 शील्ड में डाल दूंगा। उस वाले रेक्स की तो मैंने बैंड बजा दी गाइज, लेकिन ये वाले नए रेक्स ने जो ना गाइज आके मेरी बैंड बजा दी, ठीक है चलो कोई ना। मेरा फाइनल डायनो यहाँ पे आ चुका है जिसके पास गाइज कितने पॉइंट होंगे, 8 पॉइंट होंगे, और 8 पॉइंट में मैं तो रेक्स की तो बैंड बजा दूंगा। बाय बाय ब्रदर, हैव अ ग्रेट टाइम गाइज, इजी पीजी यार। टीरेज इस गेम में जो है ना गाइज अपन पूरा इवेंट कंप्लीट करके एक टीरेज को अपने कब्जे में करने वाले गए, ठीक है अपन को मिलने वाला है एक लेजेंडरी डायनो, वो है भाई अपना टीरेक्स है, और आई थिंक उसका डीएनए भी अनलॉक हो जाएगा जो कि मेरे पास पहले से अनलॉक है भाई, ठीक है। मेरे को बस एक लेजेंडरी डायनो चाहिए और उसको हराने के लिए कोई खतरनाक से डायनोस को यूज करने की जरूरत भी नहीं है। वो जेल इज दिस ब्रो, इतने ज्यादा वीक वीक वाले मतलब 30-35 लेवल के 2 ही क्यों डाल दिए ब्रो तुमने, ठीक है रुक जाओ। वाटर वाला डायनो किसको डाल सकता हूँ,
वाटर वाले डायनो को यही नहीं भाई, इसको डाल देता ना सार्को को। ये नहीं 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 नो 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 नो, इसको भी डाल दे भाई। ठीक है चलो आज डन डन आ डन डन भाई, लेट्स गो। तीन तीन वाटर वाले डायनो गाइस, इन रेस की तो बैंड बजा दूंगा भाई। टीरेस एस्केप जो है गाइस काफी ज्यादा इजी इवेंट मेरे को लग रहा है गाइस अभी तो भाई। सिर्फ टीरेस को डाउन करने के लिए दो पटके चाहिए होंगे मेरे को, दो पटको मैं टीरेस को भगवान के पास पहुंचा दूंगा मैं। ये क्या करता है इसके ऊपर डिपेंड है, आई थिंक एक ही शील्ड डालेगा कैलकुलेशन के हिसाब से मेरे। दो शील्ड डाल दी यार, नहीं डालना चाहिए था दो शील्ड। ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से एक बटके में इसको उड़ा दूंगा, ये मेरे ऊपर अटैक करेगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काफी बढ़िया अटैक कर दिया, मेरी हाफ हेल्थ गाइस यहाँ पे डाउन हो चुकी है, लेकिन मैं इसको एक बटके में उड़ाऊंगा, दो होल्ड में डाल दूंगा गाइस। ठीक है चलो, इसका फर्स्ट टीरेक्स जो है गाइस वो यहाँ पे हो चुका है, टाटा बाय बाय गुड बाय डाउन। सेकंड वाला टीरेक्स 35 लेवल का है, सेम लेवल है, सेम हेल्थ है, सेम डैमेज है। तीन अटैक पॉइंट है गाइस सामने के टीरेक्स के पास, देखते गाइस कि रेक्स यहाँ पे क्या कर पाता है। तीन के तीन अटैक देखे मैंने, ओके मेरे इसके इसने जो ना मेरे फर्स्ट डायनो को डाउन तो कर दिया है, लेकिन मेरे पास बैकअप के लिए दो और डायनो बचे हुए थे, प्लस मैंने होल्ड में पॉइंट डाल रखे थे जो मेरे अभी काफी काम आने वाले। टोटल 6 अटैक पॉइंट मेरे पास आ चुके हैं और 6 के 6 अटैक मैं इसके ऊपर देने वाला हूँ। एंड गाइस यहाँ पे टीरेक्स की बैंड बचने वाली है, बाय बाय टीरेक्स सर जी, हैव अ ग्रेट टाइम, लेट्स गो भाई। टीरेक्स की जो ना गाइस फुल टू बैंड बजा के अपन ने रख ली है। सेकंड बैटल जो ना गाइस वो भी हमने इस इवेंट की गाइस कंप्लीट कर ली है। अभी फाइनल बैटल में क्या एक टीरेक्स से फाइट करनी पड़ेगी अपन को, पता नहीं देखते चलो, मे बी एक डायरेक्ट से नहीं तीन से फाइट करनी है। यार उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है भाई, ये इवेंट सबसे ज़्यादा इजी वाला इवेंट है यार, इजी पीजी इवेंट है भाई। ले बेटा आ जाओ भाई, भाई अपने खतरनाक से जो ना गाइस कुछ मिड गाने वाले डायनोस को उतार आ रहा भाई अपन ने। ठीक है वाटर वाला एक ही डायनो है अपने पास, एंड बाकी के जो ना गाइस अपने पास सूचो भी मस है। एंड ये सेकंड लेवल पे जो डायनोस है ना गाइस वो कौन सा डायनो है ये मेरे को पता नहीं भाई। दो अटैक पॉइंट है गाइस इसके पास, रेक्स के पास इसने एक अटैक दे दिया, हाँ कर दी ना बेटा गलती, क्योंकि अब इसके पास बचा होगा एक ही शील्ड, मेरे पास आ चुके हैं तीन अटैक पॉइंट में इस रेक्स की बैंड बचा दूंगा। होल्ड में डालता है, स्मार्ट गेम प्ले ब्रो गाइस, होल्ड में डाला इसने। ठीक है चलो 212 डैमेज होल्ड में डालेगा, तीन अटैक पॉइंट कुछ नहीं होगा मेरा, कुछ नहीं कर पाएगा। तीन अटैक भी देता है तो भी मैं मर नहीं पाऊंगा गाइज, क्योंकि अपने जो वाटर वाला डायनो इसकी हेल्थ काफी ज्यादा है। नहीं मरूंगा भाई, लिख के ले लो, देख रहे हो गाइज मैंने बोला था ना गाइज मैं मरूंगा नहीं गाइज यहाँ पे। दो वर्ड को मैं इसको जरूर मारूंगा और एक होल्ड में डाल दूंगा, बाय बाय हैव अ ग्रेट टाइम। इसका जो सेकंड रेक्स है ना गाइज उसकी भी बैंड बजा दी यार, इजी है यार काफी ज्यादा फाइट, काफी इजी है। एक और रेक्स है गाइज अपने पास, ऑलराइट अपने पास मतलब ऑपोनेंट के पास, जिसको अपन को पेलना है। तीन अटैक देगा शायद ये, तीन अटैक में मेरा वाटर वाला डायनो तो भगवान के पास पहुंच जाएगा, उसमें तो कोई शक नहीं है गाइस। ठीक है अपना वाटर वाला डायनो मर चुका है, लेकिन अपने पास काफी खतरनाक ओपीजे डायनोस थे जिनसे अपन जो ना गाइस इसके रेक्स की बैंड मस्त भी बजा सकते हैं। बाय बाय रेक्स सर जी, हैव अ ग्रेट टाइम, बैंड बजा इसकी, बैंड बजा भाई इसका, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय बाय, लेट्स गो गाइस। भाई यहाँ पे हमने एक नया इवेंट को आया था वो पूरा कंप्लीट कर लिया, और अपने हाथ में अभी लगने वाले खतरनाक सा रेक्स लेजेंडरी वाला भाई। ठीक है देख रहे हो टीरेक्स एस्केप भाई, ठीक है टीरेक्स एस्केप वाला जो इवेंट है गाइज वो अपन ने एकदम मस्त भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, और अपन को एक ओपी वाला और खतरनाक सा जो पैक है ना गाइज वो भी मिल चुका है, जो कि काफी ओपी लग रहा है मेरे को। और इसके अंदर भाई देखते अभी क्या क्या मिलता है अपन को भाई। ठीक है 360 DNA, 50 ग्रीन मनी, 360 अगेन DNA, और हमारा प्यारा प्यारा सा टीरेक्स का एक कार्ड भाई, खतरनाक बोलते ब्रदर। और भाई 40 JW पॉइंट उतने ज्यादा नहीं मिले यार, खतरनाक भाई मजा आ गया। ए क्लैश ऑफ टाइटन है ना भाई, मैं भूल गया क्लैश ऑफ टाइटन आ गया था मेरे को, इसको जल्दी से जल्दी जो ना अनलॉक करना है यार, मैं तो भूल ही गया भाई। चलो कोई टेंशन वाली बात नहीं गाइस, अपन ने एक जो है ना गाइस यहाँ पे इवेंट तो पूरा कंप्लीट कर लिया, बचे हुए जो इवेंट्स है गाइस मैं आने वाले एपिसोड में पूरी तरह से कंप्लीट करने की यहाँ पे कोशिश करूंगा, और क्लैश ऑफ टाइटन को जो ना गाइस मैं जल्द से जल्दी यहाँ पे अनलॉक करने की कोशिश करूंगा। क्लैश ऑफ टाइटन ओह वाओ हाइब्रिड शो डाउन गाइस कब आने वाला है, 7 घंटे में एक खतरनाक सा इवेंट आने वाला है, हाइब्रिड शो डाउन, जिसमें हमको गारंटीड एक हाइब्रिड मिलेगा। रेयर वाला हाइब्रिड है बट गारंटीड मिलेगा, रेयर या फिर कॉमन भी मिल सकता है, कॉमन वाले के आई थिंक ज्यादा चांसेस है, रेयर वाला अगर मिला ना तो मजा आ जाएगा। ये दोनों में से अगर कोई रेयर वाला मिला, ये दोनों में से कोई भी एक हाइब्रिड मेरे पास नहीं, एक कार्नो का एंड एक ये पता नहीं एक फ्लायर का हाइब्रिड है, अगर ये मिल गया ना तो मजा आ जाएगा गाइस, खतरनाक यार। ये वाला इवेंट 7 घंटे में आने वाला है, और ये इवेंट मैं कंप्लीट करके रहूंगा किसी भी कीमत पे भाई। और
यहाँ पे जो ना गाइस मेरे को काफी खतरनाक वाले डायनो से फाइट लेनी पड़ेगी ऐसा लग रहा है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड यही पे खत्म होता है। हमने कुछ खतरनाक सी फाइट ली, कुछ भाई खतरनाक से अंडे यहाँ पे खरीद के हैच करने के लिए डाले, और भाई यहाँ पे जो ना गाइस हमने एक लेजेंडरी वाला रेक्स देना गाइस वो भी इवेंट से जीत लिया। तो आज का एपिसोड ठीक ठाक ही गया, कुछ काफी ओपी वाली चीजें हम कर नहीं पाए वो अपन अगले एपिसोड में कर लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। अगले एपिसोड में हमें जो भाई कार्नो का जो भाई इवेंट है ना गाइस वो कंप्लीट करेंगे, उसके साथ साथ कुछ टॉकर्ड विजिट या फिर पार्टी रंबल वाला इवेंट भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के लिए आज का एपिसोड जुरासिक वर्ल्ड मोबाइल का ये खत्म होता है। अगर आज का एपिसोड आज की फाइट्स अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में जुरासिक वर्ल्ड मोबाइल के, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय गुड बाय गाइस, आपसे मिलते हैं सीधा अगले एपिसोड में। All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then